अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर डे, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। क्योंकि ये ब्लॉग नहीं होगा, ये वीडियो होगा। और एज एन मदर बहुत मुश्किल है, सबसे पहले तो ये चीज़ बता दूँ, क्योंकि मैं 3 बार जो है ब्लॉग शुरू कर चुकी हूँ, वीडियो शुरू कर चुकी हूँ, लेकिन मेरा बेटा जो उड़ गया, क्योंकि एक तो लाइट जो है ये चल रही है इसकी वजह से भी, और सेकेंड थिंग कि उसको जो है शोर में नींद नहीं आती, बेहतर लाइट में नींद नहीं आती है, मतलब कुछ आदतें जो है मेरी वजह से इसमें डाइवर्ट हो गई है। सो उस वजह से भी दिक्कत हो रही है मुझे ये वीडियो बनाने में। खैर, हम लोग बना लेंगे, ठीक। आज मैं आप लोगों के साथ जो है स्किन केयर अपना शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मैं हर 15 डेज में जो है अपना स्किन केयर करती हूँ, लेकिन अभी मेरी जाड़ में दिक्कत हो रही है। अगर मेरे कुछ लव्स जो है अगर उल्टे सीधे निकल जाए तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ कर देना उसको, क्योंकि मुझसे थोड़ा जाड़ में दिक्कत है। मैंने दवाई वही लिया, हालांकि दर्द नहीं है, लेकिन वो अजीब सा थोड़ा इरिटेशन सा जो है, और बोलने में भी कुछ दिक्कत आ रही थी, ठीक है। पर मैंने सोचा स्किन केयर वीडियो बना ही लेते हैं आज, बहुत टाइम से मैं सोच रही थी बनाऊंगी, शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, लेकिन कर नहीं पा रही थी। तो मेरी हालत इतनी ऐसी हो रही है ना अभी, क्योंकि मैं वो उठ गया था तो मैं उसके पास जाके सो गई थी, फिर मेरे बाल भी खर गए, और फिर मैं नमाज पढ़ी तो उसकी वजह से थोड़े बाल फ्रिजी से हो रहे हैं। बट हाँ, आज हम लोग बालों पे ध्यान नहीं देंगे, आज हम लोग स्किन पे ध्यान देने वाले हैं। मैं आज आप लोगों के साथ अपने जो प्रोडक्ट जो मैं यूज़ करती हूँ ना, वो भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। सो सबसे पहले हम लोग ये पहन लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बाल जो है बिखरे बिखरे से है, सो वो हम लोग को डिस्टर्ब नहीं करें बाल हमारे, सॉरी मेरे। हाँ जी, सो अभी मेरे ये छोटे छोटे से बाल जो है ना, ये आने लग गए, और ये बहुत ज़्यादा जो है बुरे भी लगने लग गए, क्योंकि मैं यहाँ ऑयलिंग ज़्यादा कर रही हूँ, क्योंकि मेरा फॉरहेड जो है बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन, तो मैं यहाँ ऑयलिंग कर रही हूँ, उसकी वजह से छोटे छोटे बाल जो है वापस से आ रहे हैं, तो इनको थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं, ठीक है। और बस अब हम लोग तैयार हैं स्किन केयर करने के लिए अपना पहला। तो पहले तो सबसे पहले मैं आप लोग को अपनी जो है अपडेट दे देती हूँ, स्किन जो मेरी जार निकलवाई थी उसके बाद से 3 दिन मेरी इतनी बुरी हालत हुई ना, फिर मैंने बर्फ़ का सेक किया, उसकी वजह से मुझे जुखाम और नज़ला हो गया, आंखों में स्वेलिंग हल्की हल्की दिख रही होगी, अभी थोड़ी कम हो गई, क्योंकि उसमें भी मैं दवाई ले जा रही हूँ, और इन 4-5 दिनों में मैंने जितनी दवाई ली ना, कसम से इस पूरे साल में मैंने दवाई नहीं ली होगी इतनी, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम टोनर यूज़ करें, टोनर मैं गुलाब जल ही यूज़ करती हूँ। टोनर से क्या होता है ना, हमारा स्किन का जो पीएच लेवल होता है, जो कि अब जैसे मैं कह रही थी, सबसे पहले हम टोनर से अपनी स्किन को क्लीन कर लेंगे। सो टोनर इसलिए यूज होता है क्योंकि हमारे स्किन का जो पीएच लेवल होता है ना, या तो बढ़ जाता है या कम हो जाता है। बढ़ता है तब हम लोगों को पिगमेंटेशंस, और कभी कई बार देखा हम लोग मेकअप करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, मेरे साथ ऐसा होता है, क्योंकि जब भी मैं मेकअप करती हूँ ना, मुझे इतनी ज़्यादा इचिंग होती है कि मैं ऐसे ऐसे कर करके पूरा मेकअप जो अपना ख़राब कर लेती हूँ कहीं से इधर से इधर से। तो ये टोनर जो है उस चीज़ के लिए सही रहता है कि आपकी स्किन को जो है अच्छे से थोड़ा सा हम लोग जो है अपने देंगे। हाँ जी, सो इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, टोनर यूज़ करने से पहले मैंने कुछ भी नहीं लगाया था अपनी स्किन पर, मैं जस्ट नमाज पढ़ के मैं वीडियो बनाना शुरू हुई थी, ठीक है। मैं क्या करती, हाँ जी, सो अरहान से पहले मेरे पिगमेंटेशंस की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मतलब छाएँ जो होती हैं, और अरहान के होने के बाद मेरे गालों पे यहाँ पे और यहाँ पे इतनी गंदी छाएँ थी ना, मतलब इवन अभी भी है हल्के हल्के यहाँ पे और नाक पे भी है, मतलब यहाँ की थोड़ी सी क्लीन हो गई, वो हो चुकी है, बट ये और ये जो है ये पता नहीं जाने में कितना टाइम लगेगा। सो पहले तो हम लोग स्किन को क्लीन कर लिया हम लोगों ने मॉइस्चराइजर, लाइक अगर टोनर यूज़ करने के बाद मैं क्या करती हूँ ना, हल्की सी मॉइस्चराइजर कोई भी क्रीम आप यूज़ करते हो ना, उसको लगा के और थोड़ी देर मसाज करके और फिर उसको वापस से क्लीन कर लेती हूँ। मैंने ये ज़रा सी डेली स्किन केयर ऐसा नहीं होता मेरा, 15 डेज में जब मैं करती हूँ तब ये वाला स्किन केयर जो है मैं यूज़ करती हूँ। अभी तो काफ़ी दिन हो गए मुझे किए हुए, तबीयत ख़राब थी इस वजह से भी। अब देखना स्किन केयर से कितना फ़र्क पड़ेगा स्किन पे, अभी दिख रहा है आप लोगों को, अब जब हो जाएगी पूरी तब देखना आप लोग। ठीक है जी, सो मॉइस्चराइज लगाने के बाद हल्का सा उसको कोई भी मॉइस्चराइजर यूज़ करो, या तो पानी लगा लो या गुलाब जल, कोई भी टोनर आप यूज़ करो वो लगा लो। तो मैं तो ऐसे जो है
क्लींजर जो है इसको ऐसे यूज कर लो तू, नेक की मसाज करना मत बोलना ठीक है। मेरा तो गला भी ऐसा है कि मेरे मतलब ऐसे दो, मैं अगर कंटिन्यू अगर थोड़े दिनों तक ज्यादा देर मसाज या कुछ नहीं करूँ ना अपने नेक पे तो ये जरूरत से ज्यादा फूल जाता है। और मुझे बिल्कुल भी थायराइड नहीं है, मुझे बहुत सारे कमेंट आए कि आपको हो सकता है थायराइड है आपकी गर्दन। नहीं पापा, मेरा गर्दन जो है बचपन से ही ऐसी ही है, मेरे को मुझे कोई थायराइड नहीं है। इवन मैंने औरान के टाइम पे भी चेक करवाया था, तब भी नहीं था और अभी भी नहीं है। मुझे ऐसा डर डाल दिया था आप लोगों ने कि आप आपकी गर्दन है ना, आप चेक करो आपको थायराइड है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मुझे थायराइड नहीं है। मेरी गर्दन ही ऐसी ही पापा, ठीक है। सो हमारी स्किन क्लीन हो गई, इसको जो है टिश्यू से थोड़ा और मतलब आज जो है मैंने इसके बाद जो है स्क्रब करना होता है, लेकिन आज मैंने ऑलरेडी स्क्रब कर लिया था। नहाते वक्त मैं फेस वॉश के से पहले जो है स्क्रब कर लेती हूँ और आज मैंने कर लिया, तो एक दिन में दो दो बार स्क्रब करना स्किन के लिए हार्मफुल हो सकता है। तो एक बार स्क्रब कर लिया, बस इसको स्किप कर देंगे। अगर आपने नहीं किया तो आप कर सकते हो, क्लीन करने के बाद आप हल्का हल्का थोड़ा सा स्क्रब लें और अपनी स्किन पे धीरे धीरे आराम से जो है स्क्रब कर लें पूरा। स्क्रब से क्या होता है, स्क्रब से आपकी जो आपके स्किन के अंदर जो पोर्स होते हैं उसके अंदर जो डर्ट चली जाती है और बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब ब्लैक वाइट ऐसे दिखने लग जाता है ना, तो वो क्लीन हो जाता है। स्क्रब करना ज़रूरी होता है, लेकिन हफ्ते में दो बार बस, उससे ज़्यादा नहीं। सो आज का मेरा स्क्रब हो चुका है तो मैं नहीं कर रही हूँ, अभी स्किप कर रही हूँ, ठीक है। मैं कर लूँगी मसाज। ये इस क्रीम के बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, बायो की है और क्या है, मसाज क्रीम है, फेस और बॉडी मसाज क्रीम है, ठीक है। इसको मैंने ऑलरेडी बताया था अपने ब्लॉग में पहले भी, इससे जो है मसाज करने से मेरी स्किन में हल्का सा गोल्डन वाला ग्लो आ जाता है, क्योंकि ये गोल्डन वाली क्रीम है इस वजह से। सो अभी फ़िलहाल तो इन दिनों में मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ एज एन मसाज, और मसाज करना स्किन के लिए क्यों ज़रूरी है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखो आप स्किन को अगर हाँ सॉरी क्या हो गया हाँ, तो जब मैं मसाज करती थी ना तो कामिल जो है मेरे हस्बैंड बोलते थे कि इससे पतले नहीं होते, डाइट करने से पतले होते हैं। तो फिर मैं उनको बोला कि मसाज करने से आप पतले नहीं होते, लेकिन आपका फेस जो है वो पतला दिखता है। लेकिन लाइक आप कई बार देखते हो ना आपके डबल चिन और ये गले में ऐसा होता है। आजकल तो सबको इस चीज़ की नॉलेज है कि मसाज करना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है फेस के लिए, और लाइक अच्छा भी रहता है फेस मसाज। तो ज़्यादातर अगर मेरे स्वागत ठीक है, सो दिक्कत हो रही है बोलने में, ठीक है। सो मैं मसाज जो है ज़्यादातर ये जो चीज़ है ना, मैं अगर थोड़े दिनों तक मसाज ना करूँ तो ये चीज़ है ना यहाँ पे मेरी स्वेलिंग आ जाती है, गाल जो है थोड़े से एक्स्ट्रा फूल जाते हैं, डबल चिन दिखने लग जाता है, जो लाइन जो है पूरी गायब हो जाती है। इसलिए मसाज करना मैं रेगुलरली ट्राई करती हूँ, लेकिन ऐसा है कि एक दो दिन में स्किप हो जाता है, लेकिन मैं रेगुलरली ट्राई ज़रूर करती हूँ कि मेरे को फेस मसाज जो है मैं डेली नाइट को करूँ, ठीक है। सो अभी रिसेंटली जो है मैंने ना मीशो से कुछ मसाज के प्रोडक्ट जो है मंगवाए हैं 230 रुपए में, ठीक है। उसमें 230 रुपए में क्या क्या है पहले मैं आप लोगों को बता दूं। सबसे पहले तो ये ठीक है, ये भी मसाज करने का है, फेस मसाजर। और ये है रोलर, मसाज रोलर, ठीक है। इसको जो है चार्ज करना है, और चार्ज कैसे होता है, धूप में रखने से चार्ज होता है, जो कि मैंने अभी तक किया नहीं क्योंकि तीन चार दिन हुए इनको मंगाया हुआ, ठीक है। ये भी जो है मेन तो मैंने ये अपने शोल्डर के लिए मंगवाया था, मैंने देखा था मीशो पे 3 का ऑफर आ रखा था, ठीक है। सो ये मेन जो है मैंने अपने शोल्डर के लिए मंगाया था, मेरे शोल्डर में कितना पेन रहता है आप लोगों को मालूम है, ठीक है। और सो उसके लिए मंगाया था, और एक आया था ये जो मैंने पहले भी मंगवाया था, जो कि मैं जोधपुर भूल गई थी। सो इससे जो है आजकल मैं इससे मसाज कर रही हूँ, मतलब ज़्यादा तो 3-4 दिन हुए मुझे इससे मसाज किए हुए। सो इसको
ये जो चीज़ है ना ये बहुत ज़्यादा पफी है बेबी, मतलब अलग से ही दिखने लग जाती है। सो ये मुझे जो है भाई साहब पैसा वसूल है ये सारी चीज़ें जो मैंने मंगवाई है मुझे से, क्योंकि इससे इतनी आसानी से मसाज हो जाती है ना। मैं हाथों से जो है ताकत लगाती रहती थी, रगड़ती रहती थी, लेकिन जो है ज़्यादा नहीं होता था। इससे जो है ना आपके यहाँ पे जो झुर्रियाँ पड़ जाती है ना, मतलब आप ऑब्वियसली बात है मैं 30 की हो गई हूँ तो थोड़ा स्किन जो है चेंज होने लग गया है। सो इस वजह से यहाँ पे जो हल्की हल्की सी लाइन्स दिखने लग गई है मुझे, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रही है आजकल। सो इससे जो है ऊपर की तरफ जो है हम लोग मसाज करेंगे, क्योंकि ये जो है फेस को आपके जो लटक जाता ना हमारा फेस कहीं बाहर यहाँ से गाल वाल लटक जाता है तो ये लिफ्ट कर देता है आपके फेस को। ठीक है, जो जिनके पास अभी तक ये प्रोडक्ट नहीं है तो वो थोड़ा सा फेस जो है हाथों से मसाज करके मैं थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ। इससे पहले ये प्रोडक्ट जब नहीं आए थे उससे पहले जो है मैं अपने फेस को इस तरीके से मसाज तो 5 मिनट के लिए मसाज करें आराम से। सो मेरे तो ज़्यादा ब्लैकेट्स हैं नहीं, मतलब यहाँ पे होते थे पहले लेकिन अभी स्क्रब करने से थोड़ा क्लीन हो जाता है, लेकिन बचे कुचे जो है वो क्लीन कर लेते हैं। ब्लैकेट्स भी क्लीन हो गए अब जो है। सो जिन भैया से मैं लेने जाती हूँ ना अपने सारे प्रोडक्ट, तो उनके पास O3 का D10 पैक था नहीं, और यहाँ पे जो है मुझे D10 पैक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, सो ये जो है नंदनी का हर्बल है, ये मैंने छोटा ही लिया क्योंकि एक बार न्यू मैं यूज़ कर रही थी, लेकिन बहुत अच्छा है ये, मैंने एक बार यूज़ करके देख लिया इसको। सो ठीक है जी, पैक तो लग गया, उसको 15 मिनट वेट करेंगे। आपके पास जो भी D10 पैक है आप उसको यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं वो O3 का हो या नंदनी हर्बल का हो, जो भी आपके पास D10 पैक है उसको आप यूज़ कर लो। ये बंद क्यों नहीं हो रहा जी, तो 15 मिनट हो गए, अब इसको क्लीन कर लेते हैं। पैक को यहाँ तक लगाना होता है पूरा नेक तक, लेकिन अभी मैंने इसको कवर नहीं किया, यहाँ तक ही लगाया है। सो आप जो है हमेशा नेक तक यहाँ तक जो है हमेशा D10 पैक लगाया अपना। मैंने ना क्लीन अप करना घर पे ही इसलिए सीखा क्योंकि हम लोग जो है सलून में जा के 400-500 रुपये दे के आते हैं क्लीन अप के, जबकि वो कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ क्लीन करते हैं और स्क्रब करते हैं और ये D10 पैक लगा के आपको कहते थे बस हो गया। तो ये चीज़ें हम घर पे भी तो कर सकते हैं, सिर्फ 100-200 रुपये, 300 रुपये की क्रीम आती है, ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चराइजर आता है और आप उसको कितनी बार जो है यूज़ कर सकते हो। इसलिए मैंने जो है अपना क्लीन अप घर पे ही करना शुरू कर दिया है। जो सलून में अगर कभी 100 दिन में एक दिन ऐसे कराना होता तो फेशियल ज़रूर करवा लेती हूँ मैं, उसको भी मैं सोच रही हूँ घर पे ही शुरू कर देती हूँ करना। पर आप कंटिन्यू अगर स्किन केयर करें ना तो आपको ज़रूरत ही ना पड़े ज़्यादा ये फेशियल और ऐसे कराने की सलून में जाके। उसके बाद ये जॉय की हाइड्रा रिफ्रेश क्रीम है, ये भी मुझे मेरे जो भैया है शॉपकीपर उन्होंने ही जो है मुझे सजेस्ट किया था। मैंने लेंगे थी अपने लिए मॉइस्चराइज़र जो मैं डेली यूज़ करती हूँ निविया का, लेकिन वो मिला नहीं रहा तो मैं ये लेके आ गई थी, और ये मैंने वही यूज़ करके देखी थी पहले और इसको लगाते इतना फ्रेश फील हुआ ना मुझे कि मैंने कह दिया बस मुझे ये चाहिए, तो मैं ये लेके आ गई हूँ। और ये इतनी ज़्यादा जो है स्किन को फ्रेश फील कराती है ये जो क्रीम है ना, ये आपके स्किन को हाइड्रेट करती है। क्या अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते हो तो आपके फेस पर जैसा ग्लो आता है ना, लेकिन हम लोग जो है क्या बोलते हैं उसको आदत से मजबूर है, हम लोग इतना पानी पीते नहीं है तो इस वजह से हमारी स्किन जो है डिहाइड्रेट हो जाती है और ब्लैक पैचेस हो जाते हैं फेस पे और जगह जगह वाइट स्पॉट भी दिखने लग जाता है। तो ये क्रीम जो है ये उस चीज़ के लिए बहुत अच्छी है। स्किन को जो है बहुत ही ज़्यादा जो है हाइड्रेट कर देती है। एक्चुअली मैं मसाज करने के बाद ही क्लीन करती हूँ, लेकिन आज मैं भूल गई,
वीडियो के चक्कर में, ठीक है। सो काफ़ी जो है लोग जो है फेस, तो ये चीज़ मैं पहली बार आप लोगों को बताने जा रही हूँ। तो ऐसा है, काफ़ी लोग जो सोचते हैं कि फेस पे रेज़र या ये रेज़र यूज़ करने से जो है ज़्यादा बाल आते हैं या फिर स्किन ख़राब हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे ये यूज़ करते हुए ना काफ़ी टाइम हो गया, लाइक बहुत टाइम हो गया है। इससे मुझे ये पता चला है, क्योंकि आपका जो स्किन होता है ना, उस पर आप फाउंडेशन लगाते हो ना, तो उस फाउंडेशन और स्किन के बीच में ना आपके जो हेयर होते हैं ना फेस के, वो बीच में आते हैं, जिसकी वजह से फाउंडेशन जो है स्किन के पास में मतलब लग नहीं पाता स्किन पे प्रॉपर तरीके से। सो ये क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने ऐसा सुना था कि भाई बहुत ज़्यादा बाल आ जाते हैं, ये हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब झूठी अफवाह है, कोई ज़्यादा बाल नहीं आता है। स्किन अगर आप हेयर जो होते हैं ना आपके, ये क्लीन करते हो ना, तो उससे ज़्यादा आपकी स्किन अच्छे से क्लीन हो जाती है, मतलब अच्छे से ग्लो करती है। तो और इसको मैं लाइक अभी जो है एक हफ्ते पहले ही मैंने क्लीन किया था, तो अभी मैं बस आप लोगों को दिखाने के लिए जो है ये यूज़ करके दिखा रही हूँ आपको, ठीक है जी। सो इसको इस तरीके से जो हम लोगों को क्लीन करना है, ठीक है। और काफ़ी बार जो है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, दिख रहे हैं छोटे छोटे बाल, ये एक हफ्ते में इतने हो जाते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से अपर लिप्स कराने का, बार बार जाके तो आप करवा नहीं सकते अपर लिप्स सैलून में जाके, ठीक है, क्योंकि अपर लिप्स तो हर हफ्ते में 15 दिन में आ ही जाते हैं। सो इससे मैं मेरे पूरे फेस पे जो बाल नहीं आते, मेरे इस एरिए में और यहाँ पे बाल आते हैं, तो मैं बस उन्हीं को क्लीन करती हूँ, या फिर मैं फोरहेड कभी भी नहीं करवाती। सो यहाँ नहीं करी, क्योंकि मेरा ऑलरेडी क्लीन हो चुका है फेस, स्किन जो है बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है, क्योंकि मैं ब्लीच नहीं करवाती अपनी स्किन पे कभी भी, क्योंकि मुझे लगता है कि ब्लीच जो है बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है आपके फेस के लिए। मुझे लगता है ये वीडियो जो बहुत लंबा होने वाला है, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, इसलिए मैं ब्लीच कभी भी यूज़ नहीं करती। तो इसकी जगह मैंने ये जो है अपना लिया, इसे मैं क्लीन करती हूँ, तो मेरे हेयर वैसे भी साफ हो जाते हैं। उसके बाद आप अच्छे से स्किन केयर करो, तो उससे बहुत अच्छा जो है फेस ग्लो करता है आपका। नेक्स्ट है स्किन मास्क, ये भी चेक करना पड़ता भाई, सब उड़ गया ना तो मेरा सारा वीडियो जो है यहीं रुक जाएगा। सबसे बेस्ट पार्ट जो मुझे लगता है ना स्किन केयर में, वो है ये मास्क, क्योंकि इसको लगाने के बाद है इतना चैन मिलता है ना, इतना सुकून मिलता है ना फेस को, ठीक है जी। सो तो अभी मैंने जो अपने हेयर के हेयर सब मैंने अभी जो अपने फेस के हेयर जो क्लीन किए हैं ना, वो आप मसाज करने के बाद जो है अपने फेस पे या तो सीरम लगाएं या फिर मॉइस्चराइज़र लगाएं, कोई भी लोशन लगाएं, भर भर के लोशन लगाएं, उसके बाद ही क्लीन करें, क्योंकि वो स्किन जितनी ज़्यादा सॉफ्ट रहेगी उतना अच्छे से जो है आपके हेयर क्लीन होगी। किस तरफ से भाई साहब मुझे पता ही नहीं चल रहा है। मास्क लगने के बाद जो है मैं धीरे धीरे उनके हाथों से जो है अपने फेस पे मसाज करनी है। लास्ट सीरम, और सीरम जो है गार्नियर का है, लास्ट सॉरी वो लास्ट नहीं था, ये लास्ट स्टेप है। ये लिप बाम है नरिश मंत्रा की, रोज रिपेयर करके SPF डबल प्लस,
तो जी इन सारे प्रोडक्ट में कुछ भी जो है स्पॉन्सर नहीं है, ये मैंने अपनी पर्सनली जो मैं यूज़ करती हूँ प्रोडक्ट वो सारे बताए हैं। कुछ कुछ जो है एक दो प्रोडक्ट मेरे ख़त्म हो रखे हैं वो लाने हैं, तब तक जो है जितने थे वो उतने मैंने बता दिए आप लोगों को। सो आई होप ये वीडियो जो है आपके बहुत काम आए। और स्किन केयर करने से अगर आप डेली या हफ्ते में या 15 दिन में स्किन केयर करते हो तो आपको जो आपकी स्किन इतनी ज़्यादा डैमेज नहीं होती जितना आप मतलब कर लेते हो। अगर स्किन केयर नहीं करते हो फिर आप स्किन केयर पूरी दुनिया ही कर रही है, तो आप भी ट्राई करें अगर नहीं करते हैं तो ठीक है। और देखो सो स्किन केयर करने के बाद जो ग्लो आता है ना फेस पे वो चेक करें आप, ठीक है। ठीक है जी, इस वीडियो को यही एंड कर देते हैं। आई नो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा ये, और ये स्किन केयर जो है मैं महीने में एक बार या 15-20 दिन में एक बार कर लेती हूँ। अदरवाइज तो डेली नाइट में कुछ मॉइस्चराइजर लगा लिया, कभी सीरम लगा लिया, कभी कुछ लगा लिया, मतलब सारे नहीं लगाते, कुछ करके स्किन केयर कर लेती हूँ। लेकिन मसाज जो हम लोग को डेली करनी चाहिए, फेस मसाज, ठीक है जी। सो इस वीडियो को यही एंड कर देते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोगों को और भी कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है जी, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, खुश रखें सबको, अल्लाह हाफिज़।